एपिसोड की स्टार्टिंग में माही ग्रैंड मास्टर से कहती है कि हम वीर को स्टार लाइट एरो क्यों नहीं दे सकते, ये भी तो गॉड शूटिंग ग्रुप में से है। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि स्टार लाइट एरो हम सभी को देने वाले हैं, इसका मतलब मुझे हक है कि मैं किसको दे सकता हूँ और किसको नहीं। मतलब भाई वीर के साथ में ना एपिसोड स्टार्ट होते ही बुरा होना शुरू हो गया है। इसके बाद माही कहती है कि हाँ तुम इस ऑपरेशन के लीडर रहो, इसलिए हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। इसके बाद माही ल्यू होंग से कहती है कि पर आओ और पिछले एग्जाम में जो बंदे टॉप 5 पर आए थे उन सभी को इकट्ठा करो और स्टारलाइट एरो उन सभी को दे दो, हर एक बंदे को 20-20 एरो आएंगे। और हाँ, जिनको एरो नहीं मिल रहा है वो टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे एरो भी इनसे बदतर नहीं है, तो हमें इन एरो की कोई जरूरत नहीं है। भाई लीन होप की मुस्कुराहट देख रहे हो, मतलब लौंडा खुश हो गया, उसको बुला लिया उसकी माँ शुका ने। इसके बाद व्योम बक्सी हवा में ताली मारते हुए उन सभी लोगों से कहते हैं कि जितने लोग भी यहाँ पे खड़े हैं वो सभी प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना शुरू करें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। और एलीट टीम के मेंबर अपने अपने पोजीशन ले लें। इस पे हम देखते हैं कि वो सभी बंदे ओके कहते हैं। इसके बाद व्योम बक्सी वीर और जय सहगल से कहते हैं कि तुम लोग एलीट टीम के मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम वहाँ पे खड़े हो जाओ। इसके बाद जय सहगल कहता है कि तुम ज्यादा मत बनो, और फिर वीर कहता है कि ठीक है हम वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ये मैटर नहीं करता हम कहाँ खड़े हैं। इसके बाद जय सहगल गुस्से में कहता है कि उसे क्या लगता है वो हमसे ज्यादा ऊपर है, और उन्होंने हमें स्टारलाइट एरो भी नहीं दिए और हमको जानबूझ के चुना और हमें यहाँ पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वीर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ग्रैंड मास्टर मुझसे नफरत करता है। इसके बाद जय सहगल कहता है कि भाई तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे हो, मैं तो इतना गुस्सा हूँ ना कि मेरे को तो ग्रैंड मास्टर को मारने का मन कर रहा है। तो वीर कहता है कि मैं भी गुस्सा हूँ लेकिन बस मैं दिखा नहीं रहा हूँ। इसके बाद वीर कहता है कि अगर तुम उनके द्वारा मान्यता पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, अगर तुम नहीं कर पाए तो मजाक उड़ेगा। इसके बाद वीर कहता है कि अब तो बस वेट करो उस एलियन का आने का, जब उसको हम मारेंगे तो शायद हम लकी हुए तो हमको इसकी डेविल सोल मिल जाएगी, और उस टाइम ग्रैंड मास्टर की शक्ल देखने लायक होगी, वो तो पागल ही हो जाएगा। इसके बाद जय सहगल कहता है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इस पहाड़ के दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर के लोग हैं, और अगर वो एलियन एक बार उठ गया तो वो सभी लोग नॉन स्टॉप स्टारलाइट एरो चलाएंगे। इसके बाद जय सहगल अपने एरो को देखते हुए कहते हैं कि हमारे पास तो एलोए एरो हैं जो उस एलियन को एक खरोच भी नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद उन दोनों को एक आवाज आती है, तो वो कहते हैं कि ये किसकी आवाज है और ये कितनी डरावनी है। इसके बाद अवनी और बाकी सब उस एलियन का पीछा कर रहे होते हैं, और वो एक पर्पल कलर का वेयरवर्ब होता है। इसके बाद माही सबको कहती है कि जल्दी से शूट करो और उस पर्पल कलर के वेयरवर्ब को मार डालो। तो इस पे वो सभी लोग ठीक है कहते हैं और उस पे शूट करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी एरो उस मॉन्स्टर को जाकर लगती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि स्टारलाइट एरो से भी इस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं मिलेगा। इसके बाद वीर कहते हैं कि मुझे सही निशाना मारने की जरूरत है, अगर सही निशाना लग गया तो ठीक है, अगर नहीं तो यह स्टारलाइट एरो खराब हो जाएगा। और फिर वीर कहते हैं कि इसमें 1.2Z स्टील का मेटल है, अगर ये एक बार चल गया तो इसके बाद में ये वापस नहीं आएगा, मुझे एक शॉट में इसे किल करना होगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में जय सहगल वीर से कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें, हम ऐसे दौड़कर तो उन तक पहुंच नहीं सकते। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो किसी एलियन पर बैठ कर आ रही होती है, और वीर को कहती है जल्दी से वीर अपना हाथ दो। तो वीर कहते हैं कि क्या ये पहाड़ के नीचे से इतनी जल्दी ऊपर आ गई। इसके बाद में वीर उसको अपना हाथ दे देता है। इसके बाद अवनी वीर को खींचकर अपने पेट पे बिठा लेती है, तो जय सहगल कहते हैं कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। इसके बाद वीर अवनी से रेगिल की कमर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि यार ये कितनी कोमल है। इसके बाद वीर कहते हैं कि इसने जो ये डेविल सोल आर्मर पहन रखा है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके बाद अवनी से रेगिल कहती है कि मुझे कहीं से भी मत छू, और मैं साथ तुम्हें इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि माही ने कहा था तुम शूटिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, इसलिए तुम हमारे काम आ सकते हो। इसके बाद वीर कहते हैं कि बेशक मुझे पता है स्टेशन हेड अवनी, और वीर मन में ये भी सोचते हैं कि लगता है ये मुझे पसंद करती है लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर
मास्टर और उसके आदमियों को देखती हैं, जहाँ पर कई बंदे कह रहे होते हैं कि ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊपर है, हम इसके ऊपर कैसे जाएंगे। कई बंदे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अभी, तो कई बंदे कहते हैं कि अगर हमारे पास उड़ने वाली डेविल सोल होती तो शायद हम ऊपर जा सकते थे। इसके बाद में वहाँ पर वीर और अवनि भी आ जाते हैं। फिर अवनि माही से पूछती है कि अब क्या कंडीशन है, तो इन दोनों को साथ में देख कर ग्रैंड मास्टर का दिल मचने लग जाता है एकदम तबाही वाला, और वो कहते हैं कि इस कमीने कितनी हिम्मत कि ये अवनि सिरगिल के साथ में बैठा। तो भाई वीर की लाइफ ना मेरी तरह ही जंड है, अगर वो माही के साथ में रहता है तो लू फेंग कहता है कि ये मेरी माशूका के साथ में क्या कर रहा है, अगर ये अवनि के साथ में रहता है तो ग्रैंड मास्टर इस पे चिल्लाता है। तो भाई आखिर हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, जिंदगी जंड हो रखी है बहन जो। इसके बाद माही अवनि सिरगिल से कहती है कि तुम लोग सही टाइम पर आ गए हो और वो एलियन है वो पहाड़ के ऊपर चला गया है, लेकिन अगर हमारे पास अभी के टाइम में अगर कोई भी डेविल सोल एरो होता फिर भी हम उस एलियन को नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊपर है, और अब हम क्या करें। इसके बाद अवनि कहती है या तो इस पहाड़ के ऊपर जाने का या इस मॉन्स्टर को किल करने का हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, अगर ये पूरी तरह से हील हो गया तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि कुछ लोगों को ऊपर चढ़ने का बंदोबस्त करो और उसको पीछा करने दो उनको, हम यहीं पे वेट करेंगे और उसको मार देंगे। इसके बाद हमें चार बंदों को दिखाया जाता है जिसमें आपस में बात कर रहे होते हैं, और एक कहता है कि ये इतना ऊपर पहाड़ है ऊपर कौन चढ़ेगा, तो दूसरा कहता है कि मैं ऊपर चढ़ तो जाऊंगा लेकिन बीच रास्ते में ही नीचे गिर के मर जाऊंगा, तो तीसरा कहता है अगर मैं ऊपर चढ़ भी गया पहाड़ के तो वो मॉन्स्टर हम पर हमला कर सकता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर गुस्से में कहता है कि हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, क्या आप तुम लोग हार मानकर वापस जाना चाहते हो, और जो लोग ऊपर चढ़ेंगे उसको मांस का एक एक पीस मिलेगा, अब तो ठीक है ना। इसके बाद उन चारों में से एक बंदा बोलता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं, अगर हमने सीक्रेट ब्लड एलियन के मांस का टुकड़ा भी खा लिया तो हमारे सीक्रेट जीन पॉइंट पड़ जाएंगे, इससे वो सभी भी राजी होते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि ये भी वैसा ही हो रहा है जब हम जेट ड्रैगन को मारने के लिए गए थे तो ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारे बंदों को पैसे देकर उनकी जान ले ली थी, तो ग्रैंड मास्टर अच्छी तरह से जानता है कि बंदों को कैसे राजी करना है। इसके बाद अवनि सिरगिल कहती है कि हम इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो लोग अधिक मांस चाहते हैं वो मेरा पीछा करें और पहाड़ के ऊपर चढ़ें। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहता है कि अवनि तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यहीं खड़ी खड़ी लोगों को निर्देश दो। इसके बाद अवनि कहती है कि निर्देश देने में क्या है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। इसके बाद ग्रैंड मास्टर वीर को धक्का देता है और कहता है कि अवनि को फॉलो करो और उसको प्रोटेक्ट करना। इसके बाद ग्रैंड मास्टर मन में सोचता है जल्दी तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओगे और मैं तुमको मरने दूंगा। इसके बाद वीर भी मन में सोचता है, ये कहते हैं इसकी बहन की आंख मारो, ये आखिर सोच क्या रहा है मेरे बारे में, इसने क्या प्लानिंग बना रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे रस्सियों से लटक के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं, अवनि सिरगिल वीर ग्रैंड मास्टर वो सभी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पहाड़ की चोटी पर खड़ा दहाड़ रहा होता है, और एक दो बंदे जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वो मॉन्स्टर उन लोगों को खा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कई बंदे ऊपर चढ़ जाते हैं, तो अवनि सिरगिल जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जल्दी से कई लोग छुप जाओ और इस मॉन्स्टर को छुप कर मारने की कोशिश करो। इसके बाद वो बंदे कहते हैं कि जल्दी से कोई छुपने की जगह ढूंढो। इसके बाद में वो सभी लोग छुप जाते हैं और कहते हैं कि हम शूट करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उस मॉन्स्टर पे शूटिंग करने लगते हैं, इससे वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद वीर कहते हैं कि ये पर्पल जेड वाइवर्न बहुत ज्यादा घायल हो चुका है क्योंकि इस पर बहुत सारे बंदे तीर चला रहे हैं, अब ये थोड़े से ही टाइम के बाद में मर जाएगा, तब मैं अपनी जेड स्टील एरो का यूज कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपने गोरिल्ला के डेविल सोल के साथ में पहाड़ के ऊपर आता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और हाँ गाइस, जो भी सूरवीर के सारे एपिसोड सुनना चाहता है ना तो जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर लो, मैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दूंगा, तो ज्वाइन हो जाना।